हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स माय अशमान होम गार्डन एंड सिन्हाज गार्डन। अगर आप अपने पसंदीदा कलर के फ्लावर के अडेनियम प्लांट्स नर्सरी से ख़रीदना चाहते हैं तो उसे कब खरीदें, उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन्स को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए, और कमेंट करना ना भूलें। तो अब हम पॉइंट पर आते हैं, वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर आप अपने पसंद के फ्लावर का अडेनियम प्लांट्स ख़रीदना चाहते हैं तो उसके लिए अप्रैल का महीना अच्छा होता है, क्योंकि इस महीने में लगभग सभी अडेनियम प्लांट्स पर फ्लावर खिले होते हैं। हाँ, कुछ प्लांट्स में फ्लावर थोड़े देर से भी आते हैं, लेकिन अधिकतर प्लांट्स में फ्लावर खिले होते हैं। प्लांट्स पर फ्लावर इस तरह से खिले हुए हों तभी आप प्लांट्स खरीदें। अगर प्लांट्स पर फ्लावर नहीं खिले हों और आप ख़रीद कर घर ले आएं और बाद में जब फ्लावर्स खिले, तो हो सकता है कि आप जो समझ कर जिस कलर का फ्लावर समझ कर ख़रीदे हों और वो उस तरह का ना निकले, दूसरे कलर का निकले, तो फिर आपका पैसा वेस्ट होगा। इसलिए फ्लावर खिला हुआ देखकर ही प्लांट खरीदें जो आपको पसंद है वैसा। अगर हमें प्लांट्स का बोनसाई या उस पर ग्राफ्ट करना है तो फरवरी या मार्च में ख़रीद लेना चाहिए, क्योंकि फरवरी और मार्च का महीने में अडेनियम प्लांट्स को रिपोर्टिंग और ग्राफ्टिंग किया जाता है। रिपोर्टिंग और ग्राफ्टिंग करने के लिए वही वेस्ट समय है। जाड़े के समय में अडेनियम प्लांट्स नहीं ख़रीदना चाहिए, खासकर नवंबर, दिसंबर और जनवरी, क्योंकि इस समय अडेनियम डोरमेंसी पीरियड में होता है। नर्सरी में प्लांट्स को ख़रीदते समय ये चेक कर लें कि उसकी स्टेम जो है वो लूज नहीं हो, दाबने पे इस तरह से दबे नहीं, इस तरह से रहने पे उसमें कोई डिजीज होने की संभावना रह सकती है या रॉटिंग की संभावना हो सकती है। प्लांट्स की पत्तियाँ पीली नहीं होनी चाहिए। नर्सरी से प्लांट घर लाने के बाद उसे 2 से 4 दिन तक छाया में रख दें और ओवर वाटरिंग ना करें। रिपोर्टिंग की ज़रूरत हो तो रिपोर्टिंग कर दें, क्योंकि नर्सरी की मिट्टी में हम प्लांट्स को ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते, क्योंकि यह वेल ड्रेन सॉइल नहीं होता है। ये प्लांट नर्सरी की मिट्टी में ही लगा हुआ है, नर्सरी से मैं लाई हूँ तो अभी तक इसकी रिपोर्टिंग नहीं की हूँ, क्योंकि इसमें फ्लावर सब खिलने लग गए थे, इसलिए मैं इसकी रिपोर्टिंग अभी नहीं की हूँ। तो इसमें पानी देने पर ज़्यादा देर तक ठहरता है, जिससे कि रूट रॉटिंग की समस्या हो सकती है, इसलिए इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। तो अब मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। तो अब हमें नर्सरी जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी देर नहीं हुई है। अभी हमें नर्सरी में अनेक तरह के अलग अलग वैरायटी के और अलग अलग कलर के फ्लावर्स मिल जाएंगे। तो अब चले नर्सरी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।